हम करते हैं बैठक की एक्शन में। डॉक्टर सीएम मनोहर यादव नजर आ रहे हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। मंत्रालय में सीएम बैठक कर रहे थे। सभी संभागों के अधिकारियों के साथ मंथन हुआ। एसीएस और एडीजे के साथ बैठक हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। संभाग में जाकर समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। को हम देखें कई सारे मुद्दों को लेकर के चर्चा जो है इस बैठक में हुई होगी। और विभागों के बंटवारे को लेकर ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में मंथन होगा, पर ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दिया नहीं। पर कई सारे मुद्दे ऐसे होंगे जिन पर चर्चा हुई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भी जुड़ेंगे, जानकारी भी देंगे कि आखिर बैठक में क्या क्या कुछ खास रहा। एसीएस और एडीजी के साथ भी बैठक मुख्यमंत्री की है, आखिर कितनी खास रही बैठक, सहयोगी से जान लेते हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, खास बैठक कैबिनेट की, सीएम ने यह बैठक ली है, कितनी खास ये बैठक रही? एसीएस एडीएस के साथ भी बैठक, आखिर वो भी कितनी खास, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक हुई, क्योंकि कल ही कैबिनेट का विस्तार हुआ था और उसके बाद सभी 28 मंत्री बैठक में शामिल होने के लिए बल्लभ भवन मंत्रालय पहुंचे थे। वहां सभी के साथ बैठक हुई और बैठक के बाद अधिकांश मंत्रियों ने बात नहीं की, लेकिन जिन मंत्रियों ने बात की उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को कैसे मध्य प्रदेश में सफल बनाना है, कैसे उसके उस यात्रा के जरिए लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, इस सबको लेकर चर्चा हुई है। और उनके उसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि मंत्रियों की क्या भूमिका इस विकसित संकल्प यात्रा में रहने वाली। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका किस तरह से डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट जो करने वाली है, क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा हुई है। और उसके बाद एसीएस और एडीजी स्तर के जो अधिकारी हैं जिनको संभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में एक बैठक की थी, उज्जैन संभाग की। उसके बाद उन्होंने वहां से निर्देश दिए थे कि अब सभी संभागों की बैठक जो है वो वहां पर जाकर ही होगी और संभागवार कार्य योजना जो है वो तैयार की जाएगी। उसके बाद पहले एडीजी स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया, फिर एसीएस स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया। यानी पुलिस और प्रशासन जो जुड़े अधिकारी हैं उनको संभागवार जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनसे सबसे उस संभाग के 6 महीने का विकास का रोड मैप मांगा गया है। तो वो रोड मैप को लेकर आज जो है वो महत्वपूर्ण बैठक मंत्रालय में चल रही है। उसके बाद एक बैठक और है जिसमें महापौर के साथ अन्य जनप्रतिनिधि उनके साथ डॉक्टर मोहन यादव बैठक करेंगे और बैठक के माध्यम से वो जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आगामी 6 महीने का रोड मैप क्या होना चाहिए, किस तरीके से काम करना है, इस सबको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी। और आज भी वो सुबह से लगातार बैठकें कर रहे हैं और तमाम जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा लोगों से राय भी ले रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के रोड मैप को लेकर क्या क्या होना चाहिए। जी वाकई, ये बैठक बेहद खास हुई होगी क्योंकि सभी मंत्री भी शामिल हुए होंगे और अपने अपने क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, सभी पहलुओं पर निर्देश भी दिए गए होंगे, चर्चा भी हुई होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए शैलेंद्र। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भोपाल में हो रही कांग्रेस की मंथन में सामने आया कि गुटबाजी और भीतरघात के चलते पार्टी हारी है। बड़े नेताओं के सामने जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों ने अपनी बात रखी और पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों की शिकायत हुई। अपनों को हरवाने वाले कांग्रेसियों को चिन्हित कर कार्रवाई की भी मांग हुई है। इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव के टिकट जल्दी घोषित कर बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया जाने की बात भी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया की माने तो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों की शिकायत हुई है और संगठन से इनकी नामजद शिकायत होगी और ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए सभी को अलर्ट भी किया गया है। कई लोगों ने बताया है कि पर उसकी भी मतलब जो प्रत्याशी थे हमारे जो हारे हैं और जो कांग्रेस वालों ने भीतरघात किए उसका नाम और उसका मैंने शिकायत उनके प्रभारी हमारे उनको दी है और उसको मैंने निशाधार पर उनको नोटिस जारी होगा और जारी करने के बाद उसका संतोषजनक जवाब दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। और वहीं अब आपको बताते हैं कि एक अनोखे हनुमान मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। यह मंदिर गुजरात के सारंगपुर में है और इसकी मान्यता कष्टभंजन हनुमान मंदिर के रूप में है। इस 175 साल पुराने मंदिर में कष्ट और दुख में अंतर का ज्ञान बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। यह मंदिर
स्वामी नारायण संप्रदाय का भव्य मंदिर है। हनुमान जी के इस मंदिर के इतिहास की कहानी अचंभित करने वाली है। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति देखने के लिए श्रद्धालु भाव से पहुंचते हैं और ये मंदिर ऐतिहासिक है और इसका काफी धार्मिक महत्व है। देखिए, और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना है।